दोस्तों नमस्कार, जेतान न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूँ आईबी खान और आप देख रहे हो जेतान का सबसे बड़ा जेतारण न्यूज यूट्यूब चैनल। जेतान के माननीय विधायक श्री अविनाश गहलोत का आज 38वां जन्म दिवस जेतान नगर सहित ग्रामीण अंचलों में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और आज सोमवार अल सुबह इनके जन्मोत्सव को लेकर स्थानीय भाजपा यानी विधायक सेवा केंद्र पर कार्यकर्ताओं का उमड़ पड़ रहा है। मैं सुबह से ही देख रहा था जगह जगह लोग इनको बधाइयां देने का तांता लगा और प्रदेश के विभिन्न नेताओं भाजपा के दिग्गज नेताओं द्वारा इनको अल सुबह से ही इनके जन्मोत्सव की विदाई दी। तो मैं श्री अविनाश जी गहलोत को जेतान न्यूज की ओर से जन्मदिन की बधाई प्रेषित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद खान साहब, आपको, आपके परिवार को और आपके यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को, शुभचिंतकों को, जेतान क्षेत्रवासियों को भी मैं मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपने इस छोटे से कार्यक्रम में अपनी भागीदारी निभाई और मुझे शुभकामनाएं देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अविनाश जी, विधायक के रूप में आपका यह पहला जन्मोत्सव कार्यक्रम है और मैं देख रहा हूँ पूरा सादगी पूर्व ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा, आपको कैसा लग रहा है ये जो आप विधायक के बेहतर विधायक के रूप में आपका ये पहला जन्मदिन का अवसर है और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आ रहे हैं, आपको उत्साह है? बिल्कुल, मेरे में उत्साह है, कार्यकर्ता में उत्साह है और चूंकि राजनीति में एक जिम्मेदारी के पद पर हूँ इसलिए सभी कार्यकर्ताओं की अपेक्षा है कि वो मुझसे मिले और शुभकामनाएं सुबह जल्दी से ही वो घर पे भी लोग आ गए थे कार्यकर्ता बंधु और मैं जब कार्यालय आया उससे पहले मैं गौशाला गया था, गौशाला में मैं वो गया, मैं बालाजी के मंदिर गया, बालाजी का आशीर्वाद लिया और पूरे क्षेत्रवासियों का ये विशेष प्रेम और आशीर्वाद है कि सुबह से ही आप लोग देख रहे हैं कि हमारे इस विधायक सेवा केंद्र में तमाम जाति धर्म के लोग, तमाम क्षेत्र वासी सुबह से ही आ रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है कि जब एक साल कार्यकाल पूरा होने के बाद में कार्यकर्ताओं के अंदर वही उत्साह और वही आशा है मैं भारतीय जनता पार्टी से कि वो अपना काम करेंगे और मैं निश्चित रूप से उनको भरोसा दिलाता हूँ कि आप लोगों ने जो आशीर्वाद दिया है उस आशीर्वाद के बलबूते पर अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों का आशीर्वाद है। अविनाश जी, आपके जवाब से ही सवाल निकला है, आपने कहा कि एक साल पूरा हो गया है बेहतर, यानी कि आगामी 11 दिसंबर एक दो दिन में आपका कार्यकाल एक साल का हो जाएगा और इस एक साल में आपकी उपलब्धि क्या रही जो जनता जानना चाहती है, जो इस जेतान क्षेत्र की जनता जिसने आपको मत दिए वो जानना चाहती है, आपने उनके लिए एक साल में ऐसे कौन से कार्य किए? सबसे पहले तो 50 लाख रुपए का गिरी के अंदर जो गिरी सुमेल रणस्थली है उसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया था बजट सत्र के दौरान, तो हमारी विशेष मांग पर और राजपूत समाज की भी बहुत वर्षों से मांग थी, क्षेत्रवासियों की मांग थी, तो गिरी सुमेर रणस्थली के 50 लाख रुपए का पेनोरमा बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने दिया। मैं राजस्थान सरकार का, मुख्यमंत्री का धन्यवाद देता हूं कि सबसे पहले जो बजट में घोषणा हुई थी उसमें हमारे गिरी का नाम लेकर उन्होंने 50 लाख का पेनोरमा दिया, उसमें 7.5 बीघा जमीन अलॉटमेंट भी हो चुकी है और बहुत जल्द इसका कार्यक्रम जो है उस शिलान्यास का वो भी होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग समय ले रहे हैं, अगर मुख्यमंत्री ने समय दिया तो उनके कर कमलों से उसका उद्घाटन करवा रहे हैं। दूसरा, अभी मैंने 80 लाख रुपये की गौरव पथ बलुंदा के अंदर जो है वो स्वीकृत करवाई है, उसका टेंडर भी लग चुका है और आने वाले समय में चूँकि पंचायत राज की आचार संहिता आ जाएगी उसके बाद में ये कार्यक्रम इसका भी हो जाएगा। और उसके अलावा अभी हम लोग, हमने कई ऐसी, आपको पहले भी बताया था, 1.25 करोड़ के हमने रोड रिपेयरिंग के दिए थे, उसके वर्कआउट जारी हो गए, वो काम हो रहे हैं। मैंने मेरे विधायक कोर्ट से 2.25 करोड़ रुपए के काम विभिन्न पंचायतों में मैंने दे दिए, जिला परिषद से लगभग 1.5 करोड़ के काम मैंने वहाँ जिला परिषद में भिजवा दिए, वो काम भी हो रहे हैं। MP साहब के कोटे से लगभग 50 लाख रुपए के काम हमने वहाँ से भिजवा दिए हैं। उनकी क्या है कि जब FS आ जाएगी, अब आप क्या है कि जब मेरे विधायक कोटे का पैसा तो गवर्नमेंट के पास जाता है, गवर्नमेंट अगर उस पर पैसे को रिलीज करेगी तो 2.25 करोड़ रुपये के काम मैं चाहता था कि चुनाव से पहले पहले सारी पंचायतों में आ जाए। उसके अलावा 4.26 करोड़ रुपये की जेतान शहर के लिए पेयजल की जो योजना थी उसका टेंडर हो चुका है, वर्क ऑर्डर चूँकि राज्य सरकार के मुख्यालय से होगा तो अभी मैं कुछ दिनों पहले ही, 4 दिन पहले ही मैं जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। अविनाश जी, मैं बात रोकना चाहता हूँ, बात आपने पेयजल की जितने भी करोड़ की यहाँ योजना स्वीकृत थी, लेकिन मैं देख रहा हूँ मेरे पास भी समस्या आ रही है और आपके पास तो नियमित आती होगी, जेतान इलाके में पेयजल के विकट हालात बने हुए, इस सर्दी के इस मौसम में ऐसे हालात बने हुए तो गर्मी में क्या होगा, उसके लिए आपने क्या योजना बनी या राज्य सरकार को आपने कुछ लिखा या नहीं लिखा? हालत बहुत विकट खराब है। मैं बात उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगा तो सिंडला एक गाँव है जहाँ आज भी लोग तालाब का पानी पीते हैं।
निश्चित रूप से अभी मैं आपको एक पत्र दूंगा जो मेरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से अभी कुछ दिनों पहले बात हुई थी, उसमें मैंने जैतारण में जो मुख्य रूप से समस्या आ रही है, पानी की कमी तो नहीं है पर स्टाफ की कमी की वजह से यहाँ जब 40-45 के करीब पॉइंट है जैतारण में पानी सप्लाई के, और मात्र एक कर्मचारी के भरोसे है। ये कांग्रेस सरकार बनने के बाद में दुर्भावना से उन्होंने यहाँ से सरकारी कर्मचारी जो थे बेचारे उनका ट्रांसफ़र कर दिया, और कार्मिकों के अभाव में अभी थोड़ी सी परेशानी हो रही है। तो मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को कहा है और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि बहुत जल्दी आपके कार्मिकों की पूर्ति भी कर देंगे। इतना बड़ा जोन है, जैन भी यहाँ नहीं है, ऐन साहब बेचारे एक व्यक्ति है तो वो कैसे कर सकते, इसलिए आपको समझना होगा। फिर भी मैंने मेरी तरफ से प्रयास किया, एक तो जो जवई के स्कीम थी 325 करोड़ की जैतारण के लिए, उसका आधा काम हुआ, आधा बाकी है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को मैंने वो भी लिख के दिया, तो वो मेरे आने के बाद में शायद उन्होंने उनको बुलाया है, वो कंपनी शायद छोड़ के चली गई, तो उसका रीटेंडर के लिए वापस वो प्रयास में है। थोड़ी सी परेशानी होगी क्योंकि ये सरकार जब पैसे रिलीज नहीं करेगी तो बिना पैसे के कोई भी काम, आपको पता है कि फाइनेंशियल सेंक्शन बिना कोई काम होगा नहीं। उसके अलावा भी मैंने बहुत कुछ ऐसे काम है जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को दिए लिख के, मैं आपको पत्र भिजवा दूंगा, उसमें सारी पेयजल संबंधी जो भी हमारे पूरे जैतारण क्षेत्र की है। फिर मैंने देखो 11 हैंडपंप पंचायत समिति से सेंक्शन करवाए, 10 हैंडपंप जो सिंगल फेज कनेक्शन के हैं वो मैंने लिख के दे दिए, वो अभी आजकल में उनकी सेंक्शन भी आ जाएगी। कुल मिला के काम की रफ्तार मैं आपको बताना चाहता हूँ, चुनाव होने के एक साल में, प्रारंभिक एक वर्ष के अंदर कामकाज की रफ्तार धीमे होती है क्योंकि चुनाव का समय होता है, लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा के हो चाहे पंचायत समिति के हो चाहे कोई भी हो, इसमें निकलता है। और जो सरकार दुर्भाग्य जो चेंज हुई है उसको भी सेटल होने में साल, मैं यही जानना चाह रहा था कांग्रेस की सरकार है, आप विपक्ष के विधायक हो, ऐसे में आप काम की कैसे उम्मीद कर सकते हो। मैं देख रहा हूँ कि आपके कई अधिकारी आपके काम नहीं करते, ये ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ मैं, क्या यह सत्य है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, जायज काम के लिए तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो हमें मना कर दे। मेरा एक सिद्धांत है कि मैं गलत काम किसी को कहता नहीं हूँ, ना मेरे कार्यकर्ता कभी हमारे पास गलत काम लेके आते हैं। जो गलत काम करवाते हैं वो आने वाले समय में मरेंगे, ये निश्चित है, कागज़ कहीं जाएंगे नहीं। पर मैं अधिकारियों को इतना भरोसा दिलाता हूँ कि मैंने पिछले एक वर्ष में कभी किसी को गलत काम के लिए नहीं कहा है, और आज भी कहता हूँ गलत काम कभी मत करना, क्योंकि आपकी कलम है, आपकी कलम के दस्तखत से जो काम होते हैं वो ऑन द रिकॉर्ड होते हैं। इसलिए ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे आपकी नौकरी पर कोई खतरा जाए। मैं तो आपके साथ में मिलकर काम करने वाला हूं, और अधिकारियों से कभी दबाव में कभी काम नहीं करवाते जैसा दूसरे करवाते, मैं ऐसा नहीं करवाता हूं। अपना तो साफ सुथरा जीवन है कि कार्यकर्ता आए उनके सामने बात करते हैं, ऐसा नहीं कि कार्यकर्ता के जाने के बाद वापस फ़ोन करते हैं कि नहीं भैया इसका काम नहीं करना है। जितना वाजिब काम होता है वो काम हम लोग करवाते हैं, नहीं होता तो कार्यकर्ता को मना कर देते हैं, भैया ये काम नहीं हो रहा है, इस वजह से नहीं हो रहा है। हमारे पास तो खुली किताब है, दूसरा छुपावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सार्वजनिक जीवन है, सार्वजनिक जीवन में अगर आज हमने कुछ छुपा लिया तो कल को सामने आना ही आना है, तो फिर उस समय लोग कहेंगे कि देखो आप क्या कह रहे थे। इसलिए मैं तो कार्यकर्ता बंधुओं से यही निवेदन करता हूँ कि आप लोग वाजिब काम के लिए आएंगे, प्रयास में अगर कोई कमी हो आप मुझे बता देना, अगर प्रयास नहीं करूं तो फिर मुझे कहना कि नहीं आप प्रयास नहीं करते हो, प्रयास के अंदर कोई कमी नहीं है। फिर भी अगर कांग्रेस की सरकार होने के लिए, कांग्रेस सरकार है राज्य सरकार के, मैं यहाँ राजस्थान में मैं विपक्ष में हूँ, सीखने का अवसर मिला है मुझे एक साल के अंदर, और आने वाले चार समय जनता की वाजिब मांगों के लिए लड़ेंगे। जैतारण नगर पालिका के बारे में आप क्या अखलाक रखते हो, चूंकि यहाँ कांग्रेस का बोर्ड है और आप भाजपा के विधायक है, ऐसे में तालमेल आपका मुझे नहीं लगता बैठ रहा है। 4-6 महीने का और काम है, ये पूरे जैतारण की जनता इंतजार उस पल का कर रही है जब नगरपालिका के चुनाव आएंगे, इस भ्रष्टाचारी और दलाली कांग्रेस के बोर्ड को उखाड़ के फेंकेगी, और एक बार पुनः जैतारण के अंदर नगरपालिका में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा। और जो ये मुख्य रूप से जो चौराहे आपने देखे जैतारण के एंट्रेंस वाले, ये कोई मीरा के नाम से द्वार बनेगा, कोई रूप रजत नाम से द्वार बनेगा, कोई ज्योतिबा फुले के नाम से बनेगा, कोई महाराणा प्रताप के नाम से बनेगा, जितने भी महापुरुष हमारे इस राजस्थान के हिंदुस्तान के हुए हैं उनके नामों से इस अलग अलग चौराहे पे मूर्तियां भी लगेगी, उनके नाम से नामकरण भी होगा चौराहे का, और इसको धार्मिक नगरी के रूप में जैतारण को एक पूरे क्षेत्र के लिए आइडियल सिटी के रूप में उसको डेवलप करने का मेरे मन में प्लान है। ये तभी संभव होगा जब जैतारण में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा, और ऐसी ऐसी जगह पर जहाँ आम आदमी को परेशानी होती है वो परेशानी आज ही नगर पालिका को दिख नहीं रही है, क्योंकि अब आज ये कोई राजनीतिक विषय तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तो भगवान से इतना प्रार्थना करता हूँ उनको सद्बुद्धि दे और वो ऐसे हो जाए कि आने वाले वार्डों के चुनाव वो मैं वार्ड में प्रचार करने के लिए निकलेंगे तो जनता उनको सबक सिखाएगी कि आपने इन 5 वर्षों में क्या किया है। इसलिए इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है,
भारतीय जनता पार्टी का आप लोग देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह है, और उसी उत्साह के दम पर, विश्वास के दम पर मोदी जी का सपना है कि हम लोग एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी को जैतारण में, जो मुझे लगता है बहुत वर्षों बाद में कांग्रेसी बोर्ड बना है, उसको उखाड़ के फेंकेंगे और एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाएंगे। अविनाश जी, बात आपकी कल्पना सही है, लेकिन राज्य में कांग्रेस की सरकार है, लाजमी बात है, यहाँ बीजेपी का बोर्ड बनेगा तो फिर काम का तो तालमेल हो ही, जैसा आप भुगत रहे हो, ये जनता भुगत रही है, जैसा आप कह रहे थे कि बीजेपी का बोर्ड बनेगा तो फिर काम तो कांग्रेस सरकार कैसे करेगी? यहाँ काम बोर्ड करता है, और मुझे नहीं लगता कोई परेशान आएगी। जब अपना बोर्ड आएगा, अपने जब ज़्यादा मेजोरिटी के पार्षद आएंगे, हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से वो काम करेंगे जो जनता के हित का होगा। किसी व्यक्तिगत आदमी के कहने से कोई काम अगर कोई करता है तो निश्चित रूप से पार्टी को भी नुकसान होता है। आप एक बार सर्वे कर लीजिए कि इस नगरपालिका बोर्ड के बारे में अभी जनता का रुझान क्या है, आपको पता लग जाएगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि आने वाले समय में निश्चित रूप से जैतारण में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा, और हम सब लोग इसके लिए, हम लोग तो बहुत पहले से तैयारी करके बैठे हैं कि इस जैतारण को गिर भी नहीं रखना है उन दलालों के हाथ में जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में सिर्फ भ्रष्टाचार और दलाली की है। इस जैतारण की अमन चैन को, इसके विकास को कहीं ना कहीं खंडित किया है। इसलिए जैतारण की जनता की भावना है कि हम सब लोग, जैतारण का जो आज सीवरेज जैसी महत्वपूर्ण परियोजना है, उसके कारण इस शहर को चमन हो जाना चाहिए था, लेकिन आज बहुत ऐसे ऐसी कॉलोनियाँ, ऐसे ऐसे वार्ड हैं जहाँ 1 रुपये भी इन्होंने सीवरेज का लगाया नहीं है। आप लोग भी जाके देख सकते हैं, तो ये सब कहने की जरूरत नहीं है। ये पूरा जैतारण शहर जानता है कि इसमें क्या क्या परेशानी आ रही है, और उसी परेशानी को दूर करने के लिए मैं जैतारण की जनता से निवेदन करता हूं कि 6 महीने बाद में जब चुनाव होंगे, आप हमारे साथ रहें और इस जैतारण को विकसित करने के लिए आप हमारा साथ दें, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाएं। अविनाश, एक अंतिम सवाल है और महत्वपूर्ण सवाल है, चूँकि युवाओं की मांग है, जैतारण इलाके के युवाओं की मांग है। आपने अपने 1 साल के कार्यकाल में जो स्थानीय औद्योगिक इकाई हैं, इनमें युवाओं को, कितने युवाओं को आपने रोजगार पर लगाया, उनकी कुछ लिस्ट है आपके पास? ऐसा है कि जो लोग लगे थे उनको सबको पता है कि मैंने कितने लोगों को लगाया है। फिर भी मानता हूं कि इस काम में कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी आ रही है, क्योंकि जो श्री सीमेंट है, अंबुजा है, उसमें तो 90% लोकल लेबर लगे हुए हैं, लोकल कार्मिक लगे हुए हैं। एकमात्र जो प्लांट है निर्मेक्स का, उसके हमने होमवर्क तैयार कर लिया है, उसका आने वाले समय में उसका भी कर रहे हैं। थोड़ी सी परेशानी इस समय, हमने वहाँ के लोकल लोगों को पूछा था, उन्होंने कहा था कि थोड़ा ठहर के हम लोग काम करते हैं, तो आने वाले समय में निर्मेक्स से शुरू करेंगे हम लोग, ताकि लोकल लोगों को उससे, अभी मैनेजमेंट से हमारी बात चल रही है, हमने उनको कह दिया कि या तो आप हमारे लोकल लोगों को लगा दो, नहीं लगाया तो फिर आने वाले समय में आपकी जवाबदारी रहेगी कि किसी भी तरीके से अगर कोई ऐसी घटना हुई जिससे आपको कभी नुकसान होगा तो इसकी जवाबदारी आपकी रहेगी, क्योंकि संसाधन हमारे, ज़मीन हमारी और क्षेत्र हमारा, तो हमारे तय फर्ज बनता है कि आप लोग, हमारे जो नौजवान भाई हैं जो रोज़गार के लिए आपसे 12 महीने से हम लोग डिमांड कर रहे हैं आपसे कि जो नियम कायदे उसके हिसाब से आप ले लो, और जो लोकल लोग हैं, जो इफेक्टेड एरिया है माइनिंग का, चाहे वो निम्बोल हो, चाहे लोटोती हो, चाहे डिगरना हो, चाहे शिनला हो, चाहे रामावास हो, इसके आस पड़ोस वाले ये जो क्षेत्र हैं वहाँ के लोकल लोगों को आप ले लो, उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तो आने वाले समय में उसका भी प्रयास कर रहे हैं। कि अभी तो 1 साल हुआ है, ऐसा नहीं कि मेरा 5 साल का कार्यकाल हो गया और उसमें सारे मुद्दे 1 साल में ख़त्म होना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे पता है मैंने 12 महीने में वो काम किए हैं, अब धीरे धीरे ये काम जब धरातल पर आएंगे तब लगेगा कि हाँ हमने वो काम, क्योंकि जब तक काम का आप प्रयास नहीं करोगे, आप उसके फाइल पुटअप नहीं करोगे, आगे नहीं ले जाओगे, तो फिर आपका काम होना मुश्किल है। सड़कों की स्थिति भी दयनीय है इस जैतारण इलाके में। बिल्कुल, अभी आपको पता होगा कि पिछले दिसंबर में 1 साल हो जाएगा, इन 12 महीनों में माइनिंग डिपार्टमेंट का 75% जो पैसा है वो हमारा, हमारे यहाँ से जाता है। इस 12 महीने में DMFT की एक भी मीटिंग नहीं हुई माइनिंग डिपार्टमेंट की। अगर माइनिंग की डिपार्टमेंट, अभी 5 तारीख को पिछली मीटिंग थी, तो पता नहीं राज्य सरकार ने किस हिसाब से कैंसिल कर दी। अब राज्य सरकार जिस तनाव की स्थिति में अभी चल रही है, उनको लगता है कि कभी पहले प्रमुख साहब उसके अध्यक्ष थे, फिर उन्होंने कलेक्टर साहब को बनाया, अब वो सोच रहे कि नहीं हम लोग किसी प्रभारी मंत्री को बना दें। हमने कहा भैया जिसको बनाना उसको बना दो, लेकिन जनता के विकास के जो काम है उनको काहे के लिए रोकते हो? अगर DMFT की मीटिंग होती तो कम से कम 20-25 करोड़ रुपये हमारे जैतारण क्षेत्र के अंदर मैं लगा देता, और आने वाले 2-4 महीने के अंदर आपको पता लगता कि हाँ कितना बढ़िया काम हुआ। पर इस सरकार की मंशा बिल्कुल नहीं है विकास के प्रति। आने वाले समय में
रास को हम लोग उप तहसील से तहसील में कन्वर्ट कराने का, हो सकता है इस बजट के अंदर हमारी वो डिमांड पूरी हो जाए। 75 बेड का हॉस्पिटल है, उसकी फाइनेंशियल सेंक्शन की भी डिमांड हमारी पूरी हो जाए। और कुछ 3-4 रोडें हैं जो मुख्य रूप से हमने स्टेट हाईवे में तब्दील करने के लिए गवर्नमेंट को लिखा है, वो पत्र भी मैं आपको दे दूंगा। कुछ MDR रोड हैं, उनको भी हमने कहा है कि उनकी स्वीकृति के लिए, और पहले 3.75 मीटर की रोड हुआ करती थी, अब हमने इसको बढ़ाकर 5.5 मीटर का कर दिया है। तो कैसे भी करके हम लोग चाहते हैं कि अब सड़कों की जो अभी पिछले बारिश के टाइम में दुर्गति हुई है, वो दुर्गति वापस एक समायोजित तरीके से वापस उनको ठीक करें, उनका जीर्णोद्धार हो, उनका पूर्ण रूप से डामरीकरण हो वापस, ऐसे प्रयास भी हम लोग कर रहे हैं। अविनाश जी, पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर जैसा लोग आरोप लगा रहे हैं कि राजनीति हुई, क्या ये सत्य है? बिल्कुल, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि राजस्थान में पंचायतों का पुनर्गठन 2014 में हुआ था, अब उसके बाद में 2019 में ये लोग फिर पुनर्गठन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि समझ के बाहर है। कांग्रेस सरकार को स्पष्ट लगा जब लोकसभा चुनाव में 25 के 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी, कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार को लगा कि हमारा वोट बैंक खिसक रहा है, और उन्होंने ग्रामीण इलाकों में अपने बोर्ड बनाने के लिए, अपने प्रमुख बनाने के लिए, प्रधान बनाने के लिए उन्होंने वार्डों में जो छेड़छाड़ की है, मुझे लगता है कि इसमें वो सफल नहीं होंगे, क्योंकि जनता वो की वो है। हो सकता है आपने इधर उल्टा कांग्रेस सरकार के प्रति ये द्वेष भावना पब्लिक आम जनता की बड़ी है। पहली बार ऐसा हुआ किसी राजनीतिक दल को इस पुनर्गठन में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि सारे अधिकारी उनके लगे हुए हैं, अधिकारी उनके कहने से करते हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने जो जो प्रस्ताव बना के दिए हैं वो प्रस्ताव उन्होंने स्वीकार कर लिए। फिर भी जनता से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी इस बार तैयार हो जाएं और पंचायत राज के चुनाव में एक बार पुनः कांग्रेस को इस ग्रामीण इलाके से उखाड़ कर फेंके, ताकि उनको पता लगे कि ऐसी के कमरों में बैठकर जो लोग ये आदेश निकालते हैं कि इस तरीके का काम करो तो वो गलत होता है। अच्छा ये होता 2021 की जनगणना के आधार पर अगर आपने 2022 और 23 में ये पुनर्गठन किया होता, उस समय आपकी जनगणना भी ठीक हो जाती, पंचायतों का पुनर्गठन सबको शामिल करके करते जो वाजिब था वो भी हो जाता। आपको पता है कम से कम 60,000 के करीब ऑब्जेक्शन पूरे राजस्थान में इस पंचायत पुनर्गठन के लगे हैं, तो आप देख लीजिए कितना जनता नाराज़ है और कितना खुश है। ये फैसला तो सरकार को आने वाले समय में देखना पड़ेगा कि जनता का रुझान किस ओर है, पर मैं स्पष्ट कहता हूं कि आने वाले समय में पंचायत राज के चुनाव में भी हम लोग जीतेंगे। अपने जन्मोत्सव पर इस जैतारण इलाके की जनता को आप क्या तोहफा देना चाहोगे? पार्टी से जुड़े रहिए, मेरे से जुड़े रहिए। एक अंतिम सवाल और है, मैं जान रहा हूँ आपके सैकड़ों समर्थक यहाँ खड़े हैं, आपका स्वागत करने के लिए खड़ा है, लेकिन ये ना चीज है, चूंकि मेरी सवाल दागने की आदत ज्यादा है। मुझे लग रहा है अविनाश जी, कुछ पार्टी में भी इन दिनों गड़बड़ चल रहा है, कुछ कार्यकर्ता आपसे नाराज है, जो दिग्गज कार्यकर्ता वो भी मैं अभी देख रहा था, मुझे वो चेहरे दिखाई नहीं दे रहे जो चुनाव में आपके साथ है, वो धीरे धीरे क्यों खिसक रहे हैं? पहले तो मैं आपकी जानकारी बता दूं कि आप थोड़ा लेट आए, सुबह से लेकर अभी तक आपसे की बात करें वो सारे कुछ मेरे घर पे आके चले गए, कुछ ऑफिस आके चले गए, और बड़ा परिवार है तो क्या कि सबकी महत्वाकांक्षा को पूरा करना संभव नहीं होता है। फिर भी मुझे नहीं लगता कि पार्टी में कोई भी होगा, कुछ अति महत्वाकांक्षी लोग होते हैं जो पार्टी में क्या गए जितना उनका स्वयं का बल होता है उसके ज़्यादा वो कुछ लोग महत्वाकांक्षा रखते हैं। तो ये तो पार्टी तय करेगी आने वाले समय में कौन पार्टी के साथ है कौन नहीं है। मैं कहता हूं कि आजकल हमारे पार्टी का सिस्टम बदल चुका है, आज छोटे से छोटे कार्यकर्ता क्या काम करता उसका सीधा जयपुर से मॉनिटरिंग हो रही है, उसके बारे में पता लगता है कि वो क्या काम करता है, क्या पार्टी के खिलाफ है या पार्टी के साथ में। तो ये सारी बातें अभी हम लोगों को इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें तो अभी जैतारण क्षेत्र का विकास करना है, जैतारण एक रोल मॉडल के रूप में अपने को विकसित करना है। सबसे पहले शुरुआत हम लोग उन ग्रामीण इलाकों से करेंगे, फिर जैतारण शहर में भी उतना ही करेंगे। आने वाले समय में मैं निश्चित रूप से आपको कहना चाहता हूं कि जैतारण क्षेत्र में जो काम आप लोग जिसकी अपेक्षा कर रहे हैं वो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे। अब हो सकता है कि कोई कार्यकर्ता अब आप कह रहे हैं तो मुझे लगता नहीं कि कोई कार्य इक्का दुक्का कोई होगा, तो हमारे परिवार के, हमारे समाज के, हमारी पार्टी के मिल बैठ कर हम लोग बात कर लेंगे। अगर कहीं किसी कोई नाराजगी है किसी बात को लेकर, किसी ऑफिस में आने जाने वाले से नाराजगी, तो ये तो बड़ा परिवार है, उसमें मैं चाहूँ कि भाई आई बी खान साहब मेरे यहाँ नहीं आने चाहिए, ये गलत है। आप भी आओ, आप भी आओ, सब लोग मेरे यहाँ आएंगे, क्योंकि ये बड़ा परिवार है, सबको साथ लेकर चलने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। फिर भी अगर आप बताओगे उनको साथ लेकर काम करें। धन्यवाद। ये थे जैतारण के विधायक अविनाश गहलोत। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। बीजेपी।